लेकिन फर्स्ट वीक में हम इसका उद्घाटन करके हम नागरिकों के लिए और जनता के लिए इस वार्ड को हम शुरू कर सकेंगे। पार्किंग पूरी तरह तैयार है और पीडियाट्रिक में भी छोटे नेशनल स्कूल पृथ्वीराज नगर ऑपोजिट पंचशील ए ब्लॉक अजमेर शहर के बीचों बीच होलिस्टिक डेवलपमेंट के साथ 25 प्लस स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटी अंडर द सेम रूफ विद हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी एडमिशंस ओपन फ्रॉम नर्सरी टू 10 9773326213 अजमेर जेनरल हॉस्पिटल में केंद्र सरकार के सहयोग से इसको अपने पेशेंट को पूरी सुविधाएं मिले इसके लिए पीडियाट्रिक वार्ड में बच्चे क्योंकि बड़ी संख्या में संभाग का हॉस्पिटल है तो बड़ी संख्या में आते हैं आधुनिक चिकित्सीय सुविधाओं के अनुरूप यहाँ पे बने इसके लिए लगभग यह 42 एक फ्लोर पे टोटल मिलाकर के 224 ये बच्चों के पेशेंट्स के लिए पीडियाट्रिक वार्ड तैयार हुआ है। काफ़ी दिनों से चर्चा थी कि इसको शुरू किया जाए, दो तीन बार अधिकारियों से चर्चा की, कहा स्मार्ट सिटी हैंडओवर नहीं कर रहा और ये कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी क्या था पूरा है, इसलिए मैं इसके यहाँ विजिट करने के लिए आया। तब बिटवीन स्मार्ट सिटी एंड डॉक्टर्स या मैनेजमेंट प्रशासन बीच में जो कोई गैप है उसको ठीक किया सके और जल्दी से जल्दी इसको हम उपयोग में ले सकें और पेशेंट्स को लाभ मिल सके इतनी बड़ी सुविधाओं का रिचार्ज किया है। और अभी मैंने स्मार्ट सिटी से चर्चा की है, दे है कि 7 दिन के अंदर या जो कुछ भी कमियां हैं जिसको हम दूर कर देंगे उसका मुझे लगता है जुलाई के फर्स्ट वीक में हम इसका उद्घाटन करके हम नागरिकों के लिए और जनता के लिए इस वार्ड को हम शुरू कर सकेंगे। पार्किंग पूरी तरह तैयार है और पीडियाट्रिक में भी छोटी मोटी फायर एनर्जी वगैरह पे मैंने संबंधित अधिकारियों से चर्चा की है, मुझे विश्वास है कि वो भी 7-8 दिन में ये कर लेंगे। और तीसरा जो गर्ल्स हॉस्टल है वो भी शायद तैयार है पूरा, तो वह भी हम लोग उसको भी बच्चियों के लिए हम भी उसको शुरू कर सकें। बाकी यहाँ पे अभी 2-3 और डिपार्टमेंट्स या मेडिकल का है, मेडिकल का है और आइसोलेशन है, उनके लिए भी मैंने इनको स्पीड अप करने के लिए कह रहा हूँ ताकि वह भी आके सरकार के पैसे का सही समय पर पूरा उपयोग हो और जन को उसकी सुविधाएँ मिलें, इसके लिए आज यहाँ पे विजिट किया है और मुझे विश्वास है कि इसको हम बहुत जल्दी उपयोग कर सकेंगे। तो केंद्र सरकार ने इसी भावना से हमको ये पैसे दिए थे कि हम इसको जल्दी से जल्दी जनता को हम सुविधाएँ दे सकें। काफ़ी विलंब हुआ है, विलंब के कारणों की चर्चा संबंधित लोगों से करूँगा और जहाँ को जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी उसके बारे में विचार। सर क्या लगता है कि ये 7 दिन के अंदर अंदर यहाँ पार्किंग, मुझे लगता है कि दोनों का उद्घाटन एक साथ में केंद्रीय मंत्री, क्योंकि अभी हमारा विधानसभा का सत्र भी होने वाला है, उस दौरान उसे तारीख निकाल करके हम करेंगे। क्योंकि मैं तो मंत्री से तारीख ही मांग ली थी लेकिन बाद में पता लगा कि यहाँ जो है नहीं है, तो यहाँ के आज इनको मैंने दिया है। तो स्मार्ट सिटी के लोग भी साथ में और कंसर्न जो हमारा अस्पताल प्रशासन है उसके प्रमुख लोग साथ में, मैं सोचता हूँ इसको बहुत जल्दी शुरू करेंगे। ये अच्छे बने हैं क्यों, पार्किंग हमेशा बाहर लोग परेशान रहते हैं, तो यहाँ पे लगभग 80 कारों की व्यवस्था है और 2 व्हीलर के लिए भी 2 फ्लोर है। मैं कहूँ यहाँ की पार्किंग के बाद अस्पताल की पार्किंग इम्प्रूव हो जाएगी और पीडियाट्रिक में भी पूरे संभाग के बच्चे यहाँ आते हैं और जिस तरह से बात आधुनिक तरीके से बनाया गया है मुझे लगता है कि अजमेर की इस बच्चों के पीडियाट्रिक वार्ड की सुविधाओं में यह निरंतर